इधर अभी कॉलेज का वो इवेंट का काम खत्म करके खाना वाना खा के निकले बाहर, देखते हैं अभी आनंद में हवा खा ले, कुछ करना चाहता है खा ले। क्या ओपनिंग कर रहा है वीडियो की भाई? ओपनिंग हो गई। हाँ आनंद की गलियों में चक्कर मारते हैं। इधर से कैफे पे जाने का प्लान था, प्लान तो कैंसिल हो गया। अभी आए तो दो से चार अमूल डेयरी खुली रहती है, वहाँ पे विजिटिंग आवर्स रहते हैं। ना ना ये तो गुजराती सूरत ब्लॉग बनाओ तो हिंदी में बात करो, वीडियो बनाओ तो तू तो प्लान में चेंज हो जाता है। फिर हम कैफे छोड़कर चलो विजिटिंग आवर्स में अमूल डेयरी विजिट कर लेंगे। कल पूछ रहे हैं क्या कर रहा है तू, ये कहाँ से ऐसा ब्लॉग बनाते हैं अभी? हमारे सामान दे रहे। हम आ गए आज आनंद में जो कि है कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का क्या है देख लेते हैं। और फाइनली आनंद में आने के बाद हमारा काम हुआ है, हम आ गए आनंद की अमूल डेयरी में। यहाँ से ऑल इंडिया फेमस जो आप अमूल की चीजें खरीदते हो वो सारी चीजें यहाँ से होती है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है उसका और बाहर सप्लाई होता है। तो चलो देखते हैं, अभी वहाँ पे पास तो निकलवा लिया है, कितने भी लोग आओ आप, आपको एक जन का आईडी प्रूफ देना पड़ता है और उसी के साथ फिर वहाँ से ऑनलाइन रिसिप्ट आपको SMS आ जाता है। फिर आपको सामने एक कैबिन है, वहाँ जाकर गाइड किया जाएगा। वही जा रहे हैं। अंदर ऑडिटोरियम टाइप है वो देखकर तो आ गए, अभी अंदर जाते हैं हम लोग। अरे ऐसा मत देखा करो यार। फिर अंदर ऑडिटोरियम में और उधर तो देख लिया सरदार पटेल सभागृह में, अब यहाँ पर आए अंदर प्लांट रिजेंट में। एक अंदर टीम गई है, वो टीम निकलेगी फिर हमें अंदर जाने मिलेगा। तो यहाँ फोटो खिंचवाने आ गए और ये इधर सारी ट्रक्स आकर इधर खाली होती है, जितने भी डेयरी के नंबर लगते हैं के अंदर एक अमूल पार्लर अलग। हूँ केव लागू छू एटले के मैं कैसा लग रहा हूँ, हूँ सरस लागू छू एटले के मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। फिर इधर हमको गाइड कर रहे आंटी और यही अपना को पूरा प्लांट विजिट करवाएंगे। फिर अमूल डेयरी विजिट करने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं PVR पे अपना ती मॉल जिसमें कि मैकडोनल्ड्स है, ये जाते हैं अभी देखते हैं अंदर। भूख लगी थी अपने दोस्तों को, हमने तो वहाँ भरपेट खाना खा लिया है, देखते हैं अभी इधर उनको क्या खाना है। तो हमारे दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं। आए हाय हाय आए हाय, कैसी एंट्री है। फिर इधर मैकडे में पेट पूजा कर लिया है, किसी के पास 1 रुपया ऐसे ही बैठे हम लोग। यहाँ पे जितने भी बैठे ना किसी के पास 1 रुपया नहीं खर्च करने के लिए और मैकडे में आके बैठ गए हम लोग। अब देखते कितने टाइम में ये लोग हमको बाहर निकालते।
और इतने बट में खड़े ना, देखो इधर फॉर्मल कोट में बैठा है, ये कुर्ती पहन के, ये तो है जब ये देखो और मैं खुद जैकेट में गुच्ची का बॉक्स लेके पर्स लेके, लेकिन एक पैसा नहीं उसके अंदर। हम यहाँ पहले तीन लोग आए जिन्होंने तीनों ने मिलके ऑर्डर की 50 रुपए की प्राइस। चार लोग से लोग फिर आ गए, अब हम यहाँ बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग और एक ग्लास पानी रुपए की प्राइस खाई है प्राइस। और हाय गाइस, वेलकम टू माय गाइस हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आगे कुछ कहना चाहो सर? कर पा रहा ये भाई सोच रहा है कि बस शांति, ये आशा ही छुड़ गई है मेरी, मेरे को कोई पूछ ना ले ये लोग तुम्हारे साथ है ऐसा। शांति से बैठे है जरा, सब काम वाम खत्म करके इधर मॉल में घूमने आए थे, मारुति मॉल में वो भी घूम लिया है। अब ये भाई जमा कर रहा है और कुछ लोगों को कि जो लोग अपने कॉलेज वाले है वो सब लोग आ जाए, और फिर कल्चरल इवेंट जो है अभी रात को 8 बजे चालू होने वाला है, 8 से 10 वो कनेक्ट करेंगे। ये आ गई, देखो क्या सुनना, क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना है तुझे? चैनल वेलकम टू माय गाइस। हाँ, और और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आनंद में कुछ घूमने जैसा है नहीं, हम देरी घूम के आए हैं, लेकिन ओके ये मॉल जो है जो आप हमारे पीछे देख सकते हो वो ठीक है, अच्छा है, आपके पास बहुत पैसे हो तो आप आ सकते हो। ओके गाइस, दैट्स माय टाइम, थैंक यू। ओके सुन लिया, एक कान से घुसो और एक कान से निकल डालो, लड़कियों की बात कभी नहीं सुननी। ये मेरे मित्रों का एडवाइस है।